अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्यूबवेल। हमारा प्लान बना आज ट्यूबवेल जाने का। तो हम लोग सुबह सुबह रेडी हुए और बहावलपुर से हम लोग मुल्तान गए ट्यूबवेल के लिए। सुबह सुबह तो नहीं रेडी हुए, मेरे हस्बैंड ने कहीं काम जाना था, वो काम से आए। तो फिर हम लोग तकरीबन 12:30 बजे तक हम लोग घर से निकले। उसके बाद हम लोग पहुँचे ट्यूबवेल। ये है ट्यूबवेल का कुछ ऐसा नज़ारा। जहाँ से हम एंटर होते हैं, सामने ये वॉल थी जो कि मैंने पहले आपको दिखाई, वहाँ पे इस तरह की सीनरीज वगैरह लगी हुई थी। उसके बाद ये सारा ट्यूबवेल है जहाँ सारे जेंट्स अभी फ़िलहाल नहा रहे हैं। और ये है मेरा भाई जो गंदे तरीके से मैंगो खा रहा है और सारे हाथ और मुंह गंदे करके ठहरा हुआ। अच्छा, और एक और बात, ट्यूबवेल में मैंगो खाने का तो मज़ा ही अपना है। और ये इसके मैंगो ख़त्म ही नहीं हो रहे। पहले वहाँ एक खा रहा था और अब यहाँ पे दूसरा खाने ठहर गया। खैर, मैं हमने कहा जब तक चलो जेंट्स नहा रहे हैं हम लोग जाके यहाँ का विज़िट कराते हैं। हम लोग करते इस तरह के हैं कि पहले जेंट्स नहा लेते हैं, उसके बाद जेंट्स ने जब नहा लिया वो बाहर चले गए, फिर हम लोग लेडीज़ नहा लेती हैं। तो जब तक हमने कहा जेंट्स नहा रहे हैं हम यहाँ पे घूम फिर आते हैं। यहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था, वहाँ से मैं इसके पीछे वाले एरिया पे गई और वहाँ ये इतनी प्यारी ग्रीनरी लगी हुई थी। ये आई थिंक सो ग्रेप्स के ये बेलें लगी हुई हैं, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी किसी ने बताया। ये ग्रेप्स हैं और वहाँ पे वो नहर थी और वहाँ इसके आगे साइड पे ग्रीन चिलीज़, रेड चिलीज़ और ऑरेंजेस, मतलब बहुत कुछ लगा हुआ था। मुझे इतना पता भी नहीं क्या क्या लगा हुआ था क्या क्या नहीं। और बहरहाल हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया, यहाँ इस ग्रीनरी में जाके भी बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और ये मुझे बार बार आके तंग कर रहा है, मेरी वीडियो नहीं बनाने दे रहा था मुझे। खैर, हम आपसे शेयर करते हैं कि हम लोगों ने कैसे कैसे एंजॉय किया है। आप लोग बताइए कि आप लोग ट्यूबवेल जाते होते हैं या नहीं जाते होते हैं, अगर जाएं तो किस किस तरह एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है नहीं आता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छी तरह हेलो जी यानी कैसे हो। ये यहाँ जी अब मर्द हजरात नहा रहे हैं और ये बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ये बैठे हैं यहाँ पे बच्चे। जो ये दो दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मैं भी पीती हूँ। दे दो दे दो दे दो। हाँ मैं बन गई है, बन गई है, नजर तो आ गए। ये मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ खेल रहे थे और यहाँ मैंने इनको कहा वीडियो बनवाए, जल्दी जल्दी नीचे उतर गए। कहते हैं मैं वीडियो नहीं बनवाऊंगा। मैंने कहा ना बनवाए, मैंने बना तो ली आपकी वीडियो। बच्चों को तंग कर रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे अब ठहरे हैं एक एक बच्चे को ये छेड़ने के लिए। और और यहाँ हम दोनों ने कहा कि स्विमिंग पूल के मज़े तो ले ही लिए हैं, चलो अब थोड़ी देर के लिए बच्चे बन के देख लेते हैं कैसा लगता है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर झूले झूले और अब ये नज़ारा है खाली स्विमिंग पूल का। अब सब लोग नहान हो के इधर उधर हो चुके हैं, चेंज कर रहे हैं, जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं लास्ट की भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, सारा विज़िट करवा देती हूँ कि किस किस तरह का था स्विमिंग पूल। बहुत प्यारा था, हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और अब सारे जाने के लिए रेडी हुए हुए हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, सारे इधर उधर हैं। ये है सारा व्यू, वो वाली जो जगह है, लास्ट टाइम हम पहले वहाँ आए थे वहाँ आई थिंक जानवर वगैरह ठहरे थे, बट अब ये जगह और भी ज़्यादा प्यारी बन चुकी है।
लेकिन मज़ा हमें लास्ट टाइम भी आया था और अब भी जब भी हम ट्यूबवेल आते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक वहाँ अंदर की तरफ छोटा दरवाज़ा था जहाँ से मैं अंदर गई थी और वहाँ सारी ग्रीनरी थी वो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ ग्रेप्स की बेल्स वगैरह बेलें भी लगी हुई थी। और अब ये है बाहर का रास्ता, मीन्स के मेन गेट, इसके बाहर भी यहाँ सारे खेत वगैरह हैं, बहुत प्यारी जगह लग रही थी। मेरे तो दिल चाह रहा था मैं यहाँ से वापस ही ना हूँ, बट ऐसे जगहों पे ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं जा सकता, बट इन्जॉयमेंट के लिए जगहें अच्छी लगती हैं। तो ये है सारी जगह, यहाँ दरख्त पे इंजीर लगी हुई थी जो मैंने इंजीर तोड़ी, बहुत मज़े की थी, लेकिन दो चार ही थी बाकी कच्ची थी, वो खाने का भी मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। लेकिन गर्मी बहुत शदीद थी, तपिश थी, बहुत तपिश थी। और यहाँ अब हम लोग ये विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या नहीं लगा हुआ, पता नहीं अभी हम खट्टा रस तो होगा ना, नींबू की जगह तो काम आ सकते हैं। ये है जी अब हमारा वापसी जाने का नज़ारा, बिल्कुल अंधेरी रात में ये लाइटें जगमगा रही हैं यहाँ पे, जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं अंधेरे में ये जगमगाती हुई। अभी हम वापसी के रास्ते पे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया और हम लोग गाड़ी में बहुत मज़े करके क्या है, हमें बहुत मज़ा आया, गाड़ी में भी इंजॉय किया हमने। अब यहाँ ये हम घर के ऑलमोस्ट बहुत ही करीब आ चुके हैं, बस 5 से 10 मिनट में हमारा घर आ जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँच जाएँगे। मज़ा तो बहुत आया लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि सही सलामत हम लोग वापस घर भी पहुँच गए हैं। जब घर से निकला करें तो ये दुआ करके निकला करें कि अल्लाह पाक हम लोग सही सलामत निकल तो रहे हैं, घर भी हम ऐसे ही आए जैसे हम जा रहे हैं। और यहाँ मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप ही बना लेती हूँ मैं अपना, हवा से मेरे बाल मेरे मुंह पे ज़ोर ज़ोर के लग रहे थे, बट क्या करूँ कवर ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कटिंग वाले बाल हैं तो कवर ही नहीं हो पा रहे थे। और ये हम ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।